नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। लॉकडाउन के 20वां दिन शहर के सड़कों पर लॉकडाउन का देखने को मिला व्यापक असर। पुलिस के द्वारा अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों पर किया गया कार्रवाई। महिला एवं शिशु कल्याण परिषद एवं गिम इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में भवानीपुर पंचायत के गरीब एवं असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण। रामपुरा रहमगंज के युवा कार्यकर्ताओं के तत्वाधान में गोपनीय तरीके से गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कराया जा रहा है राशन उपलब्ध। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा एवं महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री मीना झा के तत्वाधान में गरीब एवं असहाय लोगों के सहयोग हेतु बनाया गया सैकड़ों मास्क। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में कुशेश्वर स्थान विधानसभा में चलाया गया जागरूक अभियान। युवा भाजपा नेता बालेंद्र झा बालाजी के नेतृत्व में सफाई कर्मियों को मिथिला के परंपरा अनुसार पाग एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। अब देखिए दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। दरभंगा लॉकडाउन को बनाए रखने के लिए एवं पालन करने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सघन वाहन चेकिंग एवं अनावश्यक रूप से गाड़ियों को लेकर चलने वाले लोगों पर सख्ती करते हुए सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई किया गया, जिसमें पकड़े गए गाड़ियों का चालान काटा गया। दरभंगा शहर में सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है और कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य में पुलिस के जवान के अलावा सामाजिक लोग भी आगे बढ़ चढ़कर लॉकडाउन के पालन में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। यातायात थाना के निकट यातायात विभाग की ओर से भी लगातार एएसआई दीपक कुमार के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग और जांच किया जा रहा है। सोमवार को शहर के चप्पे चप्पे पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। अनावश्यक काम जैसे राशन, दवा, दूध, सब्जी, डीएमसीएच जाने वाले लोगों को ही थोड़ी सी राहत दी गई। हम अपने चैनल के माध्यम से भी ऐसे लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना निकले, क्योंकि लॉकडाउन सरकार हम आप लोगों के लिए ही करवाया गया है। अगर आप घर में रहेंगे तभी इस कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से बच पाएंगे। वहीं सड़कों पर कुछ ऐसे लोग भी नजर आए जो अनावश्यक रूप से घूम तो रहे थे किंतु उनके पास हेलमेट तक नहीं थी। हालांकि पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़कर उनका वाहन जब्त किया, उनका चालान काटा और अलग अलग तरीके से उनको जागरूक करने का काम किया। उनके पालन करने के लिए हम लोग जो है कि जागरूक कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें और जो बिना हेलमेट के जो लोग अनावश्यक रूप से रोड पर घूम रहे हैं उसको हम लोग फाइन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और लॉकडाउन का पालन करने के लिए जो है जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं लोग को, लॉकडाउन का पालन हो भी रहा है और जो लोग बिना हेलमेट के या अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उसको हम लोग फाइन कर रहे हैं। यातायात थाना से एएसआई टुनटुन पासवान। अधीक्षक महोदय द्वारा हम लोग आदेश दिया गया है कि जितना आदमी है जितना हो सके जागरूक कीजिए, जो ज्यादा गलती करता है उसका फाइन काटिए। अब जितना मैंने देखना है कि किसको क्या दिक्कत है उस देखते हुए इंसानियत के नाते जितना मैंने आदमी को समझाना है उतना समझाना है, जागरूक करना है और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना है। जो जिला प्रशासन जो काम कर रही है गली गली लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए, अभी भी लोग इतने तक नहीं संभलेंगे तो फिर अब हम लोग भी क्या करेंगे, प्रशासन का सहयोग देना पड़ेगा हम लोगों को। अभी कुछ लोग फेक नंबर से प्रशासन को फोन कर दिया जाता है कि फला वार्ड में फला आदमी जमाती आकर बैठा हुआ है, जब प्रशासन आती है मैं जाता हूँ सहयोग करने के लिए तो वो लोग सामने आते नहीं हैं। आज मैं पूरे अपने देशवासियों खासकर वार्ड 32 के जनता को कहना चाहूँगा कि आप लोग बिना वजह भीड़ न लगावे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग दें। मेरा नाम हुआ मुन्ना अंसारी, समाज सेवी, वार्ड नंबर 32। महिला एवं शिशु कल्याण परिषद एवं गिम इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा जिला के सिंहबारा प्रखंड ग्राम पंचायत राज भवानीपुर में ग्राम मसीहारी
एवं भवानीपुर ग्राम में मुखिया पति श्री सुबोध शाह की मौजूदगी में राहत सामग्री का वितरण किया गया। विदित हो कि संस्था के सचिव मोहम्मद शमीम ने हमारे संवाददाता को बताया कि संस्था का दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड में 20,000 परिवारों को राहत वितरण करने का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने आज 300 परिवारों को राहत वितरण दिया है, आगे भी जारी है और प्रतिदिन हम लोग 500 गरीब बेबस एवं लाचार लोगों के घर में जाकर राहत सामग्री पहुंचाने का काम लगातार हमारी संस्था कर रही है। दिवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं सह प्रयोग प्रवेक्षक छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं वातानुकूलित छात्रावास एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें। आती है इसलिए हम लोग जो भी वितरण करते हैं उसका उनके चेहरे को हम ढकवा देते हैं ताकि लोगों तक ये जरूरत ये एहसास ना हो पाए कि हम लोगों ने इनको दिया, बस उनका चेहरा ढकवा के जो भी नियम रहता है कोविड-19 से वो सारा चीज़ हम लोग फॉलो करते हुए ये हम लोग अपना वितरण का कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग का 15वां दिन हो गया, जबकि 22 तारीख को लॉकडाउन जब हुआ था उसके 2-3 दिन के बाद हम लोग के पास ये जानकारी आई थी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ फंसे हुए नेत्रहीन हैं विकलांग हैं जिन्हें अनाज का बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिर हम लोगों ने समाज के सामने रामपुर रहमगंज समाज के सामने में हम लोगों ने एक बैठक किया, लोग घर घर जाकर हमने कहा कि भैया हम राशन वितरण करने का सहयोग का सुविधा जो होता है वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो यहाँ रामपुर रहमगंज के पहले तो हमें तो उन लोगों ने सवाल ने बोला कि ठीक है इसलिए अच्छा काम है आप कीजिए, हम लोग का सहयोग आप लोग को पूरा मिलेगा। और जब हम लोगों ने उनके सहयोग लेकर यह अभियान शुरू किया तो आज के टाइम में दरभंगा के हर जगह से हर जो सामाजिक कार्यकर्ताओं की भावना रखते हैं वो लोग आगे बढ़कर हमें सहयोग कर रहे हैं। और ये हमारा 14 अप्रैल तक का भी हमारा लक्ष्य हो गया कि 14 अप्रैल तक हम इस अभियान को चलाते रहेंगे, राशन वितरण करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जेपी नड्डा और महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा द्वारा किए गए आह्वान पर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा व महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री मीना झा के द्वारा रोजाना 100 मास्क बनाने का संकल्प लिया गया ताकि ये जरूरतमंद व असहाय व्यक्तियों तक मास्क का वितरण कर सके।
वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए मीना झा ने बताया कि हमारी वार्ड में महिला मोर्चा की बहनों के साथ विभिन्न जगहों पर मास्क बनाने का कार्य जोरों से चल रहा है। मास्क बनाने का कपड़ा खुद से खरीदा जा रहा है, जिसमें अभी तक कुल 300 मास्क बनकर तैयार किया जा चुका है, जो होममेड है। वहीं हम लोगों ने लगभग 2000 मास्क दिल्ली से भी मंगवाया है, जिससे इस महामारी से बचने में महिला मोर्चा के बहनों द्वारा एक छोटा सा प्रयास होगा। मास्क बना रहे हैं तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा का और जेपी नड्डा जी का, जसवाल जी का, सबका आदेश था कि आम जनों में, गरीब में जिसके पास मास्क का उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसके लिए घर में हाथ से बनाने के लिए, इसी के लिए हम लोग अपने से सिल करके, क्योंकि मेरे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपने हाथ से सिल रही है, तो हम लोग वही आह्वान पर अपने घर में बैठ के अभी मास्क सिल रहे हैं और हर जनता के बीच में जाएगा। और कुछ नगर आयुक्त को 500 का टारगेट हम लोग दिए हैं कि नगर आयुक्त को भी देंगे, क्योंकि वहां पर भी बहुत ऐसा कर्मचारी है जो उनके पास उपलब्ध नहीं है। जो जिसके पास मास्क उपलब्ध नहीं है, उन सब माताओं एवं बहनों के लिए अनिवार्य है, इसी के लिए हम घर घर भी वितरण करेंगे और नगर आयुक्त को भी देंगे, क्योंकि उसे 500 उनको देंगे, इसलिए कि उनके पास भी मास्क उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो सबको देंगे। मीना झा, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन, क्लासेस PG-8, रजमान चौक से पश्चिम, धीरामपुर, दरभंगा, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। NSUI के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में कुशेश्वर स्थान विधानसभा के दर्जनों गांव में राहत सामग्री बांटने के साथ साथ जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, कोरोना वायरस जैसे संक्रमण महामारी से बचने हेतु लगातार कुशेश्वर स्थान विधानसभा के पकुड़िया, घुड़दौर, सनिचरा, शाहपुर, झजरा, चिगरी गाँव में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, बिस्किट आदि सामानों का संस्था के द्वारा वितरण किया जा रहा है। NSUI के द्वारा जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है? या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है भेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 केजी के पैक में मौजूद है। इसके अलावा भेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं भेलोकॉम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाएं और हमें सेवा का मौका दें। इसके अलावा हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें। युवा भाजपा नेता बालेंद्रू झा बालाजी के नेतृत्व में कई दिनों से दरभंगा शहर के शुभंकरपुर में गरीब पीड़ित दिहाड़ी मजदूरों के बीच राहत वितरण कार्य चल रहा है। आज बलिंदर झा उनकी टीम ने शुभंकरपुर वार्ड नंबर 9 के सभी सफाई कर्मियों को मिथिला के परंपरा अनुसार
पाग एवं अंग वस्त्र से सम्मानित कर उन सबों को सराहनीय योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद पत्र सौंपा। इस संबंध में बताते हुए युवा नेता बालेंद्र झा ने बताया कि आपसी सहयोग से गांव के गरीब पीड़ित मजदूर परिवारों तक लगातार राहत वितरण का कार्य अपने गांव में चल रहा है। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अपने गांव के रियल कोरोना वॉरियर्स यहां के सफाई कर्मियों को सम्मानित करने का काम किया है तथा उन्हें सभी ग्राम वासियों की तरफ से धन्यवाद पत्र भी सौंपने का हम लोगों ने काम किया। कई दिनों से लगातार शुभंकरपुर के युवा साथियों की मदद से पीड़ित गरीब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों तक हम लोग राहत सामग्री पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग अपने गांव के सफाई कर्मियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग और दुपट्टा से सम्मानित करके उन सभियों को सभी ग्रामवासियों के तरफ से धन्यवाद पत्र भी सौंपा और साथ ही उन सबों का पुष्प वर्षा और माला और पाग चादर के साथ सम्मानित करने का काम हम सभी युवा साथियों ने किया है। और निरंतर जो राहत वितरण का कार्य हमारे गांव में चल रहा है वो राहत वितरण का कार्य निरंतर जारी रहेगा। हम सभी युवाओं का संकल्प है कि गांव में कोई भी व्यक्ति इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन की स्थिति में भूखा न सोए, इसके प्रयास में हम सभी युवा साथी लगातार प्रयासरत हैं। बालेंदु झा, बालाजी, भाजपा युवा कार्यकर्ता।